हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WUPSC के क्लर्कशिप का मेंस यानी पार्ट टू का हम लोग जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन का क्लास नंबर 36 है। इसके बाद आप लोग 35 क्लासेस हो चुके हैं, और जो लोग लेट ज्वाइन किए आप लोगों को तो PDF एंड वीडियो एक साथ में प्रोवाइड करवा देता हूँ। अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोगों को मैं बता दूँ, कोर्स फीस सिर्फ 100 रुपीज़ है, 2 मंथ्स का है। आप लोग जो लेट ज्वाइन कर रहे हो उनका भी आप लोग का 100 रुपीज़ है। मैं कोई कोर्स फी बढ़ाया नहीं हूँ, और यहाँ पे जितने भी PDFs है सब आप लोग को फ्री में प्रोवाइड मिलता है। और एक ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों का, यहाँ पे ये बहुत लोग बोल रहे हो सर कौन सा वाला बुक खरीदना बेस्ट रहेगा, ये वाला बुक खरीदे या ये पास वाला, ये वाला बुक खरीदे। तो मैं आप लोग को बताता ही हूँ, जब हम लोग ने ग्रुप बनाया था तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, आप लोग कोई भी बुक प्लीज़ मत खरीदने जाइए। जो भी बुक आप लोग को चाहिए तो वो मैं आप लोगों के लिए खरीद दूँगा, मैं खरीद लूँगा, मेरे पैसे जाएंगे ना। आप लोग क्यों फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हो, अभी लॉकडाउन में पैसे थोड़े से सेव करके रखिए ना। तो क्या है आप लोग का, ये बुक एंड ये बुक, दोनों बुक मेरे पास है। ये वाला बुक मैंने प्रोवाइड करवा दिया था आप लोगों को ये टीचर्स डे के दिन एज ए गिफ्ट, और ये वाला बुक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा जब हम लोग का ग्रुप स्ट्रेंथ 200 मेंबर्स हो जाएगा। और अभी तो आप लोग का 180 प्लस मेंबर्स है, और 3-4 दिन में 200 मेंबर्स हो जाएंगे, तो ये वाला बुक आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर जो लोग ज्वाइन नहीं होना चाहते, नो डोंट वरी फ्रेंड्स, आप लोग अगर बुक खरीदना चाहते हो तो इन दोनों बुक में आप लोग को रिकमेंड मैं ये वाला बुक करूँगा। ये वाला बुक ज़्यादा बढ़िया है इस वाले नेक्स्ट वाले बुक से। ये नेक्स्ट वाला बुक थोड़ा सा अमाउंट भी ज़्यादा है, 400 रुपीज़ है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फुल गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर दिया है। इन्होंने ना ग्रामेटिकल एरर देखा, ना जो लिखा हुआ है वो देखा, और फुल गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया हुआ है। और बहुत ही, मैं क्या बोलूँ यार, बकवास बुक है और कुछ नहीं, मैं जस्ट रिव्यू दे सकता हूँ। और ये वाला बुक आप लोगों का बहुत ही अच्छा बुक है। इन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया है कि हाँ मेरा प्रचार कीजिए, मेरे को ये बुक बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ। जो लोग खरीदना चाहते हो, जो लोग आप लोग पेड कोर्स में नहीं हो तो आप लोग ये वाला खरीद सकते हो, ठीक है। और वो बहुत लोग बोलते सर आप बंगाली में प्लीज़ क्लास करवाइए, तो बंगाली में आप लोग के लिए टीचर बहुत लोग हैं। जैसे आप लोग का सबसे बेस्ट, अगर मैं बोलूँ, कोई भी यूट्यूबर, किसी यूट्यूबर का प्रचार नहीं करता बट मैं पता है स्टूडेंट्स कैसे हैं, तो मैं बता सकता हूँ आप लोग का, ये शांतनमय इन्फॉर्म्स जो है ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप लोग का बंगाली लैंग्वेज के लिए। आप लोग वो वाला बुक या वो वाला आप लोग चैनल फॉलो कर सकते हो जो बंगाली स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो आप लोग के लिए वो वाला चैनल बहुत है। और बंगाली में बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बट हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम चैनल होते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बेसिकली हिंदी के स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस करता हूँ, ठीक है। उनके पास कोई हेल्प नहीं करने का है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अगर बंगाली में पढ़ना है तो आप लोग बहुत सारे हैं, सागनिक है, देन नॉलेज TM ऐसा कुछ है चैनल का नाम, देन उसके बाद क्या है शांतनमय इन्फॉर्म ऐसा कुछ है, तो वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो आज का क्लास स्टार्ट करवाते हैं। तो क्लास में क्या है, आप लोग को मैंने होमवर्क दे दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या आप लोग को एक किडनैपिंग के ऊपर रिपोर्ट लिखना था, और ये रिपोर्ट का जो कंटेंट है ये सब कुछ मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। क्योंकि क्लर्कशिप में आप लोगों को कैसे करके आता है, ऐसे करके आता है, एक रिपोर्ट लिखना पड़ता है, और उसका जितने भी इंसिडेंट या डेट ऑफ इंसिडेंट, प्लेस जो भी है, कंटेंट जो है सब कुछ दिया जाता है, और उसी को ही निर्धारित करते हुए, उसी को देखते हुए आप लोग को नीचे एक अच्छी तरह से लिखना पड़ता है। आप लोग बहुत लोग जो मेरे को सेंड किए हो, हाँ मेरे को अच्छा लगा, बट बहुत लोग क्या किए है, ये सब कंटेंट यूज़ ही नहीं किए हो, 2-3 कंटेंट छोड़ दिए हो, ठीक है। जैसे ये 5-year-old चाइल्ड छोड़ दिया है, बहुत लोग ने लिखा है क्या किडनैपिंग हुआ है, एक बच्चे का किडनैपिंग हुआ है 5-year-old, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप लोग का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स में आप लोग 12 प्लस मार्क्स उठा सकते हो, क्योंकि एक रिपोर्ट राइटिंग है जहाँ पे मार्क्स उठाया जाता है। और ट्रांसलेशन में अगर आप लोग को वर्ड नहीं आता तो आप कुछ भी कर लो, आप लोग उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, वर्ड का मीनिंग अगर नहीं आता तो। और प्रेसी राइटिंग में डिपेंड करता है कौन कैसा प्रेसी लिखता है, जो भी है रिपोर्ट राइटिंग एक स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट ए रिपोर्ट ऑन फॉलोइंग टॉपिक विद ए सूटेबल टाइटल विद इन 200 वर्ड्स, यानी कि 200 वर्ड्स के अंदर, यानी कि आप लोग 170, 80, 90 कितने भी वर्ड्स के अंदर आप लोग लिख सकते हो। तो ये 200 वर्ड्स के अंदर आप लोग को एक रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पे जो कंटेंट सब कुछ दिया है वो मैं बता दूँ। डेट ऑफ इंसिडेंट जो है 12th of September 2020 है, और ये आप लोग का सैटरडे था। देन नेक्स्ट है इंसिडेंट, किडनैपिंग हुआ किसका, 5-year-old चाइल्ड का। देन प्लेस कहाँ पे किडनैपिंग हुआ, इस्लामपुर मुर्शिदाबाद में। और एक्टिविटी क्या है आप लोग का, किडनैपर ने डिमांड किया फिरौती की रकम, यानी कि रैंसम को क्या बोल देंगे, फिरौती की रकम डिमांड की, वो कितना 50 लाख रुपीज़ डिमांड किया। देन नेक्स्ट है आपका
पुलिस का रोल क्या था, पुलिस ने सब जगह चेक पोस्ट में चेकिंग किया और किडनैपर को पकड़ लिया, किडनैपर को धर लिया, यानी कि नैप द किडनैपर। तो ये हो गया आप लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया था, उसी से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी एक रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करोगे तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम आप लोगों का होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, हेडलाइन लिखना। हेडलाइन ऐसा लिखिए जिससे लोग आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो आप लोगों का जो रिपोर्ट है वो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडलाइन दिया है, मैन अरेस्टेड फॉर किडनैपिंग चाइल्ड। इतना छोटा सा हेडलाइन आप लोग दोगे वो तब भी चलेगा। आप लोग इसमें कुछ भी कैसा भी हेडलाइन दे सकते हो, आपकी मर्जी, वो आपके मतलब इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है आप लोग कैसा हेडलाइन दोगे। आप लोगों का कंटेंट, ये जो है कंटेंट थोड़ा सा सही रहना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे द नेक्स्ट है बाय स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, लिखना पड़ता है तो लिखिएगा। देन उसके बाद आप लोग का स्टार्ट होता है मेन चीज जो है प्लेस। प्लेस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने मुर्शिदाबाद क्यों लिखा, इस्लामपुर किसने लिखा, आप लोगों को पता ही है इस्लामपुर आप लोगों का, दिनाजपुर में भी एक इस्लामपुर है, तो इसलिए मैंने मुर्शिदाबाद लिखा। और कोई भी आप लोगों का इंसिडेंट होता है ना तो बड़ा वाला जो जगह है वो लिखिया कीजिएगा। जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को क्या कराया था, न्यू टाउन के अपार्टमेंट में आप लोगों का एक न्यू टाउन कहाँ पे कोलकाता में है, वहाँ पे एक रॉबरी हो गया था। तो आप लोग क्या न्यू टाउन लिखे थे या कोलकाता लिखे थे, डेफिनेटली कोलकाता लिखे थे क्योंकि उसको हर कोई पहचानता है। तो इसलिए आप लोग जो बड़ा जगह है उसको लिखने का कोशिश कीजिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा मुर्शिदाबाद, मैंने प्लेस लिख दिया, प्लेस के बाद एक कॉमा, देन आप लोग डेट लिखिएगा। डेट जो है कैसे करके लिखेंगे वो मैं बता दूँ, जैसे आप लोग का इंसिडेंट कब हुआ, डेट ऑफ इंसिडेंट बोल रहे हैं 12th of September, यहाँ पे डेट ऑफ इंसिडेंट बोला है, सिर्फ डेट नहीं बोला है। अगर डायरेक्ट डेट बोल देते तो वही डेट आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देते, बट डेट ऑफ इंसिडेंट बोला है 12th of September, यानी कि आप लोग का जो भी वारदात होता है, वारदात मान लीजिए न्यूज़पेपर आप रिपोर्ट कैसे पढ़ते हो, जब भी आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ते हो यानी कि बासी खबर पढ़ते हो ना, कल का न्यूज़ पढ़ रहे हो आप, जैसे आप लोग का कोई भी चोरी हुआ, डकैती हुआ, कल आप लोग का हुआ है उसका ही आप लोग आज पढ़ रहे हो, ऐसे करके ही होता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या जो आप लोग का डेट है, अगर डेट ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है तो उसके बाद वाला डेट लिखिएगा, गलती से भी वही डेट मत लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद वाला डेट क्या है, 12th के बाद 13th of September है। अभी आप लोग 2020 अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का जो मेन कंटेंट है उस पर आते हैं। तो मेन कंटेंट में जो सबसे पहला वाला लाइन है, उस पहले वाले लाइन में आप लोग का पूरा सब कुछ कवर अप हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, आप लोगों को पता ही है। जो एग्जामिनर है वो सबसे पहला वाला लाइन को अच्छी तरह से पढ़ता है, कैसे करके आप लिख रहे हो। यहाँ पर आप लोगों का ग्रामेटिकल एरर या कुछ भी स्पेलिंग एरर या कुछ भी आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड में हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड में आप लोग को लिखना पड़ेगा। और ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए आप लोग क्या लिखना चाहते हो, खुद एक स्टोरी बना के लिख दोगे। या मैंने जो देखा है बहुत लोग देखते लिखते हैं ए डेयरिंग इंसिडेंट इज टेकन प्लेस, ऐसे करके लिखते हो, उनको खुद ही पता लग जाएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों ने कहीं से कॉपी मारा है। क्योंकि जिस भी बुक में देखोगे ना, कोई भी बुक अपनों ने खरीदा है तो वहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, ए डेयरिंग इंसिडेंट। ए डेयरिंग इंसिडेंट क्या है फ्रेंड्स, जो पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसमें किसी पता नहीं किस बुक वाले ने ए डेयरिंग इंसिडेंट लिख दिया था, फिर सब स्टूडेंट वही चीज़ कॉपी कर रहे हो। अरे उससे पता लग जाता है आप कहीं से कॉपी करके वो लिख रहे हो, आप खुद के वर्ड में नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कहीं से कॉपी करके मत लिखा कीजिएगा, आप लोग खुद के वर्ड में लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इस्लामपुर पुलिस हैव अरेस्टेड ए मैन हु किडनैप ए 5-year-old boy एंड डिमांडेड अ रैनसम ऑफ ₹50 lakh फ्रॉम बॉयज पेरेंट ऑन सैटरडे। अब मैंने सिर्फ डे क्यों दिया, आप लोग तारीख भी दे सकते हो, हाँ दे सकते हो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे डेट अगर अलग से आप लोग को मेंशन किया है तो आप लोग डेट लिखिएगा, नहीं तो अगर आप लोग को यहाँ पे डेट लिखा है और आपने यहाँ पे 13th of September यूज़ किया है तो आप लोग इसको यस्टरडे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो आप लोग का फर्स्ट वाला पैरा होता है, फर्स्ट वाले पैरा में आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर देना पड़ेगा पूरे वारदात के बारे में, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए, इस्लामपुर पुलिस हैव अरेस्टेड ए मैन हु किडनैप ए 5-year-old boy एंड डिमांडेड ए रैनसम ऑफ ₹50 lakh फ्रॉम ए बॉयज पेरेंट ऑन सैटरडे। क्या हुआ, एक इस्लामपुर पुलिस ने एक बंदे को अरेस्ट किया, किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया, किडनैपिंग के लिए अरेस्ट किया,
किसको किडनैप किया था, 5 ईयर ओल्ड बंदे को अरेस्ट किया था, उन्होंने फिरौती की रकम मांगी थी, कितने रकम मांगी थी, 50 लाख रकम मांगी थी, किससे मांगी थी, उनके पेरेंट्स से मांगी थी, कब अरेस्ट हुआ, ये आप लोगों का ये वारदात का हुआ, सैटरडे को वारदात हुआ। देखिए एक ही लाइन में कितना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गया, 1 2 3 4 5 6 इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया। तो वही क्या है, आप लोग इस पैरा में पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट है, आप लोग बहुत लोग पूछते हो सर हम क्या ये एक पैरा में ही पूरा कंप्लीट कर दें, एक पैराग्राफ में लिखे या दो पैराग्राफ में लिखे, कैसे करके लिखे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग को अगर वर्ड्स बोलेंगे, वर्ड काउंट अगर बोलेंगे विद इन 150 वर्ड में आप लोग को लिखना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक पैराग्राफ में आप लोग पूरा रिपोर्ट कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप लोग को बोले हाँ 200 या 250 वर्ड्स में लिखना है, तो आप लोग 2 या 3 पैराग्राफ में उसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को मैक्सिमम मेनली 150 वर्ड्स ही आएगा, ज़्यादा वर्ड्स का नहीं आएगा, तो आप लोग उसको एक पैराग्राफ में लिख देने का कोशिश कीजिए। वहाँ पे आप लोग क्या पैराग्राफ सिर्फ जोड़ना ही तो है ना, तो यहाँ पे तो ऐसे कीजिए सैटरडे के बाद इस अकॉर्डिंग को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, बस इतना हो गया। पैरा डिवाइड करना, पैरा जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आप लोग ऐसे ही नॉर्मली कर पाओगे। तो देन नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वाले पैराग्राफ होते हैं, ये पैराग्राफ आप लोग का इमेजिनेशन के ऊपर होता है, आप कैसे भी करके उसको किडनैप करवा सकते हो। जैसे कोई स्कूल से आ रहा है तब किडनैप कर लिया, मार्केट से आ रहा है तब किडनैप कर लिया, या रात को वो लोग अकेले सो रहे थे या बाहर खेलने गए थे तब किडनैप कर लिया, तो ऐसे करके आप लोग कहीं से भी उसको किडनैप करवा सकते हो। ये आपके ऊपर इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे करके उस वारदात को अंजाम देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू पुलिस मोहित इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इस्लामपुर इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, he lives with his wife Sarita and their 3 children. On Saturday afternoon, his youngest son Arav was playing outside his house. A little while later, he was found to be missing. His parents searched for him everywhere but could not find him. यानी कि क्या हुआ, पुलिस ने जो बताया इन्फॉर्मेशन वो आप लोग को बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया मोहित जो है इस्लामपुर का एक रेजिडेंट है, बासिंदा है, उसकी वाइफ है और उसके 3 बच्चे हैं। जो उनका सबसे छोटा वाला बच्चा है, वो छोटा वाला बच्चे का नाम क्या था, आरव था। वो दोपहर शनिवार को दोपहर के वक्त खेल रहा था उनके घर के बाहर, देन उसके बाद वो घर नहीं आया तो वहाँ से वो मिसिंग हो गया। अब उन्होंने क्या हर जगह में तलाशी की तो उनको वो बच्चा मिला नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग का स्टोरी हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू पुलिस मोहित रेजिडेंट जो भी ये सब कुछ लिखेगा, देन उसके बाद ये क्या सैटरडे आफ्टरनून, अभी तो लॉकडाउन है, जो भी है लॉकडाउन का बात भूल जाइए। जैसे आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑन द वे ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम ए स्कूल फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल ऐसे पे जो भी है स्कूल से वो रिटर्न मारेगा, तब वो बंदों ने उसको एक मारुति वैन में किडनैप कर लिया। आप लोग ऐसे करके भी स्टोरी भी कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में जा रहे थे मार्केट से किडनैप कर लिया, ऐसे करके आप स्टोरी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको कैसे भी आप एक मोड़ दे सकते हो। देन नेक्स्ट है, After some time, someone called Mohit over the phone and demanded a ransom of rupees 50 lakh to release the child. Frightened, he informed the police and vehicle checks were conducted across the district to rescue the child and nab the offender. तो यहाँ पे क्या है, कुछ समय के बाद मोहित को एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल में किसने रकम फिरौती की डिमांड की गई, 50 लाख का डिमांड किया गया। तो उससे ही वो घबरा के मोहित ने क्या पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस ने क्या किया, सब जगह नाकाबंदी लगा के पुलिस के चेक पोस्ट में चेकिंग करना स्टार्ट कर दिया सब गाड़ियों का जो आ रहे जा रहे थे, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में। देन उसके बाद क्या हुआ, यही इसी चीज़ के चलते बच्चे को रेस्क्यू किया जा सकता था और ऑफेंडर को पकड़ा जा सकता था। तो देन नेक्स्ट जो लास्ट लाइन होता है ऑल टाइम, अगर आप कभी भी दो लाइन में आप लोग दो पैराग्राफ में डिफरेंशिएट करोगे, अलग करके लिखोगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला जो लाइन है उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, और जो लास्ट वाला लाइन है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला लाइन में पूरा फुल कंक्लूजन देना पड़ेगा। रुकिए थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। तो फुल कंक्लूजन आप लोगों को देना पड़ेगा, यानी कि क्या हुआ जो वारदात में एंडिंग में क्या हुआ, तो वही चीज़ आप लोग का कंक्लूजन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। Police said that kidnapper probably frightened left the child by the side of road in National Highway 34. यानी कि आप लोगों को पता ही है मुर्शिदाबाद हमारे घर के पास जो हाईवे जाता है वो नेशनल हाईवे 34 है। Then and fled the spot. Some passers by spotted the child and informed the police. The child was handed over to the
पेरेंट्स एंड द पुलिस स्नैप्ड द किडनैपर बाय ट्रैकिंग हिज मोबाइल फ़ोन, यानी कि जिस मोबाइल फ़ोन से उस बंदे ने कॉल किया था पेरेंट को, उसको ट्रैक करने के बाद उसको पकड़ लिया। देन उसके बाद लास्ट में क्या है, ही वॉज आइडेंटिफाइड एज सुबो, ए लोकल गुन ऑफ लोकेलिटी। तो ये चीज़ आप लोग का कंक्लूसिव लाइन था, क्या हुआ एट द एंड, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे मैंने आप लोग का फुल करवा दिया रिपोर्ट राइटिंग का क्लास। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ज़्यादा ही पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा जो पेड कोर्स है सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं 2 मंथ्स का। प्रीवियस जो वीडियोस है और PDF से आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, एंड बहुत सारे बुक्स एंड PDFs भी आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ, जो आप लोग बाज़ार में बहुत 500-600 रुपये में खरीदते हो वो सब मैं फ्री में प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है 9609714558, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन अगर करोगे तो कहीं और चला जाएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो ये आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।